होता है पैरालाइज कंडीशन के बेसिस पे पीक्यू और पैरालाइज है और इनको इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन है। इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का जो पहला एंगल है 125 डिग्री का है और दूसरा एंगल आपका ए है और इसमें आपको ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है उसका वैल्यू है आर। हमने आपको बताया था उस कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन के बेसिस पे उसने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन के बेसिस पे आपको बताना है एंड फाइंड इज द लेटेस्ट एंगल इन द गिवन रीजन और रीजन भी देना है आपको। सबसे पहले तो आपको कंडीशन बतानी है देन उसका आपको रीजन भी देना है। देखिए कैसे देखेंगे, हम एक चीज जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन हो और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो और उसी के सेम साइड एक एंगल अंदर की साइड हो एक एंगल बाहर की साइड हो तो उस तरह के एंगल को क्या कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यहां से सीधा सीधा इसका वैल्यू आ जाएगा एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन कंडीशन क्या लगेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कंडीशन देना कंपलसरी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया यहां से कितना तो यार